हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी मैं बैठी थी तो मैंने सोचा क्या व्लॉग बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा चलो मेकअप की वीडियो छोटी सी बना लेते हैं, इजी इजी इजी। तो अभी हम ये फाउंडेशन लगाएंगे। जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो मैं लगाती हूँ टीवी स्टिक के बारे में, मुझे अनीला अली जी ने कमेंट्स किया था यूट्यूब पे। उफ माय गॉड, मैं तो उसके प्राइस सुन के परेशान हो गई हूँ यार। मैंने कहा इतना महंगी, 3100 की यार, 3500 रुपए दी। कुछ खुदा दा खौफ करो महंगाई वाले हो। तो इसके बाद 3100 3100 3300 ना चांस हो जाता है। आज दूसरा दिन है मेरा बच्चा भी, हानिया जो है, हानिया भी मुझे बहुत टोक रही है, मामा आप क्या बोल जाती हैं। कल मैंने व्लॉग में कामरान हैदर को कहा हम 1300 साल बाद मिल रहे। 1300 साल बाद तो हड्डियां भी नहीं मिलनी यार। और मैंने उसे कह दिया 1300 साल बाद हम मिल रहे हैं। मेरी बेटी कहती मामा क्या क्या कह दिया आपने? मैंने कहा क्यों, मैंने क्या कहा? कहती आपने गलत कहा है। आजकल के बच्चे भी बड़े समझदार हैं। फिर मैंने कहा, मेरी बहन ने मुझे आज टीचर आई थी पढ़ाने के लिए, तो मैंने उन्हें टीचर को कहा, मैंने कहा मेरी सिस्टर ने ना गलाफ भेजे हैं, तकिए गलाफ के तकिए भेजे हैं। मैं बोल गई। फिर मेरी बेटी कहती है मामा, वहीं पे टोक दिया, मामा आप क्या कह रही हैं, आपने गलत कहा है। मैंने कहा मैंने क्या कह दिया? कहती है आपने कहा गिलाफ के तकिए भेजे हैं, तकिए के गिलाफ भेजे हैं। उफ, मैंने कहा अच्छा, ओ सॉरी। पता नहीं बुढ़ापा ही आ गया, बस और क्या, 30 साल के बाद बुढ़ापा ही शुरू हो जाता है। और असल में एक बात बताऊं, आप सब भी इत्तफाक करेंगे, 30 साल के बाद ही तो हम लोग अपने आप को जवान समझते हैं कि यार हम अभी ही तो बड़े हुए हैं। और यह हकीकत है, हमारी इतनी उम्रें छोटी हैं कि हम मतलब यही सोच रहे होते हैं यार 30 साल के बाद ही तो समझ आई है, अक्ल आई है, उससे पहले बिल्कुल समझ नहीं होती हमें। आप खुद भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि इससे पहले हमें बिल्कुल समझ नहीं होती, बचकाना जहन होता है, अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, पता भी नहीं होता दुश्मन कौन है और अपना कौन है, सज्जन कौन है। कसम ले लें, अभी मुझे अभी समझ आ रही है कि अच्छा अपने कौन है और पराए कौन है, मुझे अब समझ आती है। इससे पहले मुझे बिल्कुल, मैं सबको यही कहती थी सब अपने ही है, लेकिन नहीं। हालांकि मैंने ठोकरें भी बहुत खाई हैं और अकल आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, अब आ रही है। कितने लोग मेरे से इत्तफाक करेंगे कि 30 साल के बाद ही हमें समझ आती है कि हम अभी बड़े हुए हैं, शायद हमें अभी मतलब जवान हुए हैं ये कह लें। ये देखें जी, मैंने वो फाउंडेशन लगा के उसके बाद आईब्रोज लगा ली हैं। छोटी वीडियो बनाऊंगी आज, सोच रही हूँ। तो प्लीज़ न्यू लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बड़ी मेहरबानी होगी, शुक्रिया। अच्छा मैं जो है आज ये वाली बेस लगाऊंगी, सॉरी आई शेड। क्या हो गया नोजी तुझे, क्या हो गया, अरे बाबा क्या हो गया तुझे, ये वाली ठीक है, मैं लगा के अभी आई जी। मैंने जो है ग्रीन कलर जो है ये लगा के, शर्ट के साथ थोड़ा मैच होता हुआ वो लगा के, फिर उसके बाद मैंने ये ब्लैक शेड लगाया, वही ब्लैक शेड मैंने आईज के साथ काजल में भी ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो है अब मैं करूँगी
गोल्डन शेड टच ये वाली करूंगी, ये और ये मिक्स करके फिर, ठीक है। यहाँ पे ये ठीक है जी, प्लीज जो लोग वीडियो देखते हैं वो कमेंट्स भी साथ में कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। ये देखें ठीक है, ये अब मैं व्हाइट हाईलाइट करूंगी अपनी आईज के ऊपर, ठीक है। ये मेरा मेकअप पड़ा होता है, ये मेरा ट्राइपॉड है ये देखें, अभी मैंने कम बखेड़ा किया हुआ है वरना ज्यादा हो जाता है। अभी मेरे पास सही तरह लाइट नहीं है, अच्छे से लाइट हो ना तो मेकअप करने का मजा ही आ जाए फिर। तो अभी मेरा स्टूडियो टाइप तो है नहीं, अभी तो हम छोटे से सब्सक्राइब यूट्यूबर सब्सक्राइबर भी हैं यार, मैं सबको सपोर्ट करती हूँ जो भी कहें, करना भी चाहिए, मेरा क्या जाता है, हाथ ही तो चलता है बस, एक क्लिक से किसी की लाइफ बदल सकती है तो बदल दो, ठीक है ना। हम लोग दावे इतने इतने करते हैं, इतने इतने दावे करते हैं कि मैं ये मैं ये मैं ये, कुछ भी नहीं है, हम लोग कोई पता नहीं कब फौत हो जाए। और कई लोग तो फिरौन बने फिर रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मरने के कुछ ही दिनों बाद हमारी हड्डियों का ढेर हो जाएगा। मुझे बहुत डर लगता है मौत से, बहुत खौफ आता है, और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, अपने लिए भी मैं हिदायत मांगती रहती हूँ हर टाइम। ये देखिए हमारी आईज तैयार है, इसके बाद मैं मस्कारा करूँगी, ठीक है। अच्छा जी मस्कारा भी मैंने कर लिया है, और उसके बाद जो गोल्डन कलर यहाँ पे लगाया था वो यहाँ पे आईज के पास भी लगा देना है फ्रंट पे, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगी कंटूर, ठीक है जी। ये हमारा कंटूर हो गया, क्या हुआ हुरैन जी? अच्छा उसके बाद जो है हम अपनी चिक को शाइन में लाने के लिए
अपने गालों को छाइन मिलाने के लिए ये लगाएंगे शिमर। ये गोल्डन में भी लगाते हैं और ये वाइट में भी लगाते हैं, ठीक है जी। ठीक है, बेबी बोलो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अच्छा उसके बाद जो है ये हम लिपस्टिक लगाएंगे। मैंने यही वाली पहले भी ऐड की थी। आपने लगानी है, है? डन 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 हमारा मेकअप तैयार है। आओ, इसको बहुत शौक है लिपस्टिक लगवाने का और कंघी करने का बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। तो जनाब कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप और कैसी लगी आपको मेरी ये आइडियाज? तो वीडियो जब बन रही होती है बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल चुपचाप एफिशिएंसी के साथ मेरे से नहीं बनाई जाती। मैं साथ में हल्ला गुल्ला भी करती रहती हूँ, गपशप भी करती रहती हूँ और साथ साथ वीडियो भी बनाती रहती हूँ। और ये देखें मैंने मेकअप समेट भी लिया, ठीक है ना। यही तो है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये मेकअप? और प्लीज़ न्यू लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो सपोर्ट कर दें, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह।